कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद ग्वालियर में सिंधिया समर्थकों ने भी अपने पदों से इस्तीफे दे दिए हैं, जिसके बाद पार्टी में हलचल मच गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद और ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद ग्वालियर चंबल क्षेत्र में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। ग्वालियर के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव किशन मुद्गल एवं पूर्व विधायक राम बरन सिंह गुर्जर एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा और अन्य लोगों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के पीछे का कारण उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं राहुल गांधी ने अपने पदों से इस्तीफा दिया है, इस कारण से ग्वालियर के नेताओं ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। हम लोगों ने आज ही कल जब श्रीमती सिंधिया जी ने त्याग पत्र दिया राहुल जी के बाद, हम लोगों ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए रमेश जी ने और सुनील जी ने, किशन ने, सुरेंद्र जी ने और अर्जुन जी ने, हम सब लोगों ने मिलकर ये जिम्मेदारी नैतिकता समझी कि हमारे नेता ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्याग पत्र दिया है। हम श्रीमती सिंधिया जी के समर्थन में और अपनी नैतिकता समझते हुए अपने त्याग पत्र श्रीमती सिंधिया जी को और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी को हमने सामूहिक रूप में अपने प्रेस भेज दिए। सिंधिया जी को इस प्रदेश में जो उन्होंने मेहनत किया, लगन किया, उनके साथ खड़े होकर कांग्रेस की मजबूती के लिए हम सब लोग सिंधिया जी के साथ खड़े। हम सब लोगों ने सामूहिक रूप से जो राहुल जी ने, श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो जिम्मेदारी को मानते हुए तो अपने पद को छोड़ा है, तो हम सब लोग भी उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने पदों से इस्तीफा दें।